हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आइजा क्रिएशन में। और आज हम एक बेबी डिज़ाइन फ्रॉक बनाने जा रहे हैं जो समर में बहुत ही कंफर्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 1 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है और ये टॉप का पार्ट है जो 4 पीस में है। तो चलिए अब इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। जो हमने टॉप पार्ट लिया है उसकी जो लेंथ है वो 10 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर के लिए हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और साथ ही साथ आर्म होल के लिए भी हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो चेस्ट के लिए हम 7 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। ये हमने जो 7 इंच लिया है वो हमने मार्जिन के साथ लिया है यहाँ पर हम। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वेस्ट लाइन के लिए मार्क करेंगे जो हम 6.5 इंच पे करेंगे और इन दो पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आर्म होल को थोड़ा राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक के लिए मार्किंग करना है। जो नेक की विड्थ है वो हम 2 इंच रखेंगे और जो नेक की डेप्थ है वो हम फ्रंट के लिए 3 इंच रखेंगे। और अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैक के लिए 2 इंच पे लेंगे और इसे भी हम थोड़ा राउंड शेप कर लेंगे। उसके बाद हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है, अब हमें कट करना है। तो यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक के लिए नेक कट करेंगे। उसके बाद हम एक पार्ट निकाल कर बैक का साइड में रख देंगे और उसी के साथ साथ हम फ्रंट का जो नेक है उसे कट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये कट कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हुक के लिए एक कट लगाना है, तो वो हम बैक पार्ट के लिए लगाएंगे। यहाँ पर हम 3 इंच पर एक कट लगाएंगे। यहाँ पर हम हुक लगाएंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे एक कट लगाया है। अभी आप देख सकते हो कि ये हमारे बैक का पार्ट है और ये हमारे फ्रंट का पार्ट है जो हमने दोनों भी कट कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसे भी कट करना है। तो यहाँ पर हमने बॉटम के लिए 2 फैब्रिक लिए हैं जो हमारे लेंथ और विड्थ 22x22 के हैं। यहाँ पर हमें स्क्वायर शेप में 2 पीसेस लेने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से बिछा लेंगे ताकि इसमें कोई सिलवटें ना रहे। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसे इस तरह से फोल्ड करना है और एक बार हमें इसे इस तरह से पकड़कर फोल्ड करना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने टॉप का पार्ट कट करके रखा था वो यहाँ पर हम लेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि जो हम फ्रॉक की फिटिंग करने वाले हैं उस फिटिंग के हिसाब से मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर फिटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से पकड़कर यहाँ पे 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इस तरह से कॉर्नर से पकड़ के जितने भी इंच पर आया है निशान वो पूरा राउंड शेप में लगा देंगे। यहाँ पे हमें इस तरह से पूरा राउंड शेप में निशान लगाना है 3-3 इंच पर। और ये हमने 3 इंच पर निशान लगा लिया है। और यहाँ पर हम बॉटम की लंबाई भी ले लेंगे। यहाँ पर हम पूरी लंबाई लेंगे जितनी भी हमने फैब्रिक की ली थी। तो ये हमारा स्क्वायर पार्ट में है तो इसकी लंबाई बराबर आ जाएगी दोनों साइड से। और ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी मार्किंग करना हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों साइड का कट कर लेना है। इसके बाद ये फैब्रिक ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है कि एक फैब्रिक को पकड़कर इस तरह से यहाँ पर इसे रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ये फैब्रिक को किस तरह से रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
ये जो बॉटम की लाइन है उसे यहाँ पर इस तरह से सिल लेंगे और यहाँ पर इसे भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है, तो मैं आपको ये पूरी सिलाई लगा के बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर हमारी सिलाई लगाना हो चुकी है चारों तरफ से दोनों फैब्रिक के। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो इसका सेंटर है यहाँ पर हम सेफ्टी पिन की मदद से चारों तरफ इसे सिक्योर कर लेंगे। और इसे सिक्योर करने के बाद भी हम यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप में सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा बॉटम का पार्ट रेडी हो जाएगा। अब हम टॉप पार्ट की तरफ आते हैं। टॉप पार्ट की हमें सिलाई करनी है तो यहाँ पे हम इस तरह का एक पट्टी लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। तो हमें इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है। तो मैं ये आपको सिल के बताती हूँ। सिलने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि ये जो पट्टी है हमारी वो इजीली पलट जाए। तो हमें यहाँ पे ये पट्टी को अंदर की तरफ पलटना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर किस तरह से अंदर की तरफ उसे सेट कर रही हूँ। और उसके बाद हमें क्या करना है कि इसे इस तरह से फोल्ड करके, देख लीजिए किस तरह से करना है, हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर पूरे में हमें सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारी यहाँ पे सिलाई लगाना हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है कि इनके शोल्डर ज्वाइन करना है। तो एक पीस को हम सीधा रखेंगे और दूसरे पीस को उसके ऊपर उल्टा रखकर यहाँ पर इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। इसे बराबर से करते हुए ये दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरह से एक क्रॉस में स्ट्रिप लेनी है। हमें यहाँ पे क्रॉस में स्ट्रिप लेनी है और यहाँ पे हम गले को पाइपिंग लगाएंगे। तो ये हमने सीधी साइड में हमें लगाना है और ये जो पट्टी है उसे हमें उल्टा रखना है और इस तरह से राउंड में हमें पूरे गले पर पट्टी लगानी है और साथ ही साथ इस पर सिलाई भी लगानी है। उसके बाद हम ये जो स्लीव्स के लिए है वहाँ पर भी हम इस तरह से एक पट्टी लगाएंगे और दूसरी तरफ भी इस तरह से क्रॉस में पट्टी लगाएंगे। तो मैं ये आपको लगा के बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी ये सिलाई हो चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं और गले पर भी हमें इस तरह से ही छोटे छोटे कट लगाने हैं। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कट लगाने के बाद में इसे अंदर की तरफ, आप देख सकते हो यहाँ पे इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले एक फोल्ड, उसके बाद डबल और एक फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ताकि हम जो पाइपिंग लगा रहे हैं वो फिनिशिंग के साथ लगे। और सेम हमें स्लीव्स पे भी इस तरह से ही करनी है। यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैं ये आपको लगा के बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी पाइपिंग लग चुकी है और कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा शोल्डर है उसको सेंट्रल मार्क करेंगे। यहाँ पर हम एक फ्रिल लगाएंगे तो उसके लिए शोल्डर को सेंट्रल में मार्क करेंगे और दोनों तरफ एक एक निशान लगा देंगे। तो आप पूरे में इस तरह से निशान लगा लें। अब हम इसके लिए पट्टियाँ कट करेंगे कि यहाँ पे हमें फ्रिल लगानी है। तो चलिए मैं पट्टियों का माप आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने चार पट्टियाँ ली है। इसकी जो लंबाई है वो 33 है और जो वाइट पट्टी की चौड़ाई है वो 3 इंच है और जो ग्रीन पट्टी की लंबाई है वो यहाँ पर 2.5 इंच है। हमें पट्टियों को इस तरह से पकड़कर एक के ऊपर एक रखनी है। हमारी ग्रीन वाली 2.5 इंच है और वाइट वाली 3 इंच है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इन पट्टियों के एक साइड में सिलाई लगानी है, वाइट के भी और ये ग्रीन के भी। और उसी के साथ साथ हमें इन दोनों को इस तरह से जॉइन भी करना है। तो मैं ये आपको करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर भी सिलाई लगाई है और यहाँ पे इन दोनों को भी जॉइन कर लिया है। इस तरह से दोनों पट्टियों को रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इन पट्टियों को
इस तरह से पकड़कर यहाँ पे रखना है जो हमने सेंट्रल में निशान लगाया था, और उन्हें इस तरह से गले के तरफ रखते हुए दोनों पट्टियों को यहाँ पे हमें छोटी छोटी चुन्नट डालनी है। आप प्लेट्स बोल लो, चुन्नत बोल लो, इस तरह की छोटी छोटी सी यहाँ पे डालनी है प्लेट्स हमें दोनों साइड में, और यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। सेम हम इसी तरह से करेंगे कि यहाँ पर भी छोटी छोटी प्लेट्स लगा डालेंगे और ये पूरे में एक सिलाई लगा देंगे। तो मैं आपको ये रेडी करके बताती हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरह से पलटना है इसे, इसे भी हम इस तरह से पलट लेंगे। और अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर से एक सिलाई लगानी है। सेम इस तरह इधर के साइड में भी करना है, इसके ऊपर से एक सिलाई लगानी है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसे रेडी करने के लिए यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो मैं ये आपको रेडी करके बताती हूँ। आप देख सकते हो हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये बॉटम का पार्ट लेंगे। तो ये बॉटम के पार्ट को हमें क्या करना है कि उल्टा रखना है और ये पार्ट को सीधा रखना है। अब ये सीधा पार्ट हम इस तरह से यहाँ पर डालेंगे और ये डालने के बाद पूरे इसमें सिलाई लगा देंगे। पूरे राउंड में हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें इस तरह से पकड़कर सिलाई लगानी है। अगर आपको ये हमारा सिंपल सा मेथड पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।